वेलकम बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 47। मैथ्स है क्लास 10 हिंदी मीडियम। आपको बच्चों अगर मैथ्स साइंस या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए तो आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट के में जा सकते हैं, जैसे मैथ्स का है या जो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न है ये, जो कि हम पहले भी कर चुके थे, उसी में आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाती है। सीधी सी बात है, कोई वृत्त है, उस पर एक बिंदु है, बिंदु से आप स्पर्श रेखा तो सिर्फ एक ही खींच सकते हो ना, तो कितनी संख्या होगी, एक। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। नंबर दो क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को किस पे स्पर्श करते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। याद आया आपको ना, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। देखिए ये बाहर बिंदु है, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, बार बार बताया। तो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं कितनी बनी, दो बनी, हमने बताया था केवल दो ही बनती है और इनकी लंबाई भी बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये सारा हमने रिकॉल कर लिया है जो पिछला है, हमें सब कुछ पता चल गया है इस बारे में, और क्वेश्चंस में भी हम लोग इसको और रिवाइज करेंगे। तो उदाहरण नंबर वन करते हैं। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है एसीबी, तो एसीबी कहाँ है बच्चे, एसीबी यहां तक है, ठीक है, ये है एसीबी, और इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। यदि पीसी 28 है, पीसी यानी कि पी से लेकर सी तक ये पूरा 28 है, ये कितना है बच्चे, 28 सेंटीमीटर। पीए और एआर बराबर है, पीए और एआर बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे बताइए, क्योंकि ये तो बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, वैसे ही बीक्यू और बीआर भी बराबर होंगे, ये हमें दिया हुआ है, साफ साफ नजर आ रहा है हमें, ठीक है। ध्यान रखना है हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, और एक लंबाई दे रखी पीसी 28 है। अब हमने ये लिख दिया कि भाई वृत्त के जो बाहर स्पर्श बिंदु से दो, जो कोई बाहर अगर बिंदु है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये होते ना बच्चे, तो पीए एआर के बराबर है और क्यू बी बीआर के बराबर है, ये वाली जो है क्यू बी बीआर के बराबर है। इतना क्लियर है आपको, चलिए इतना क्लियर है तो हम आगे करते हैं। अच्छा, और रीजन वही लिखेंगे कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ध्यान रखना है पीसी और क्यूसी बराबर, पीसी और क्यूसी बराबर है कि नहीं, ये भी तो स्पर्श बाहरी बिंदु है, ये भी तो बाहरी बिंदु है, तो कितने बाहरी बिंदु है ये बताइए, एक, दो और ये तीन। तो हम देखें तो ये पीसी पीसी सी क्यू के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो अगर पीसी 28 है तो क्या ये 28 नहीं होगा, ये भी तो 28 ही होगा, तो ये भी 28 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालने क्या बच्चे, हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी ए बी बीसी और एसी को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, हम इसको यहां लिखते हैं, कहां साइड में लिख देते हैं कि त्रिभुज एसीबी का हम क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, तीनों भुजाएं क्या है, एसी प्लस एबी प्लस बीसी, ठीक है, ऐसा नहीं। तो ये बताइए एबी के कितने हिस्से हैं, एबी के हमें दो हिस्से नजर आ रहे हैं, ए आर प्लस बी आर, तो मैं इसी को तोड़ देती हूं कि ए सी प्लस एबी को हम लिख सकते हैं ए आर प्लस, क्या लिख सकते हैं बच्चे, बी आर, और बीसी तो है ही साथ में, ठीक है। अब ये बताइए कि ए आर एपी के बराबर है कि नहीं, ये देखिए ए आर एपी के बराबर है, तो क्या हम इसकी जगह एपी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस ए आर की जगह हो गया, क्या हो गया, एपी, और वैसे ही बी आर की जगह हो गया बी क्यू, ठीक है, प्लस बी सी। कहां से आया ये वन से आया, अगर इसको हम वन मानते हैं तो यहां से आया ये, ठीक है। आप जो ये इतना सारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जगह आप इसको कर लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये बताइए कि ए सी प्लस एपी क्या है, ए सी प्लस एपी देखे तो पूरा पीसी बन रहा है, ये पूरा पीसी बन रहा है कि नहीं, तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं, तो एसी प्लस एपी अगर इसको देखें तो ये बन रहा है एपी पीसी, देखिए ये रहा एसी और ये है एपी,
इसको ऐड करते हैं तो ये बनता है पीसी। क्या बनता है बच्चे? पीसी। ठीक वैसे बी क्यू और बीसी देखिए, बी क्यू और बीसी क्या बन रहा है बच्चे? क्यू सी। तो दोनों ही तो 28-28 है, 28 जमा 28 तो सीधा आ गया 56 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है इसको हटा देते, आ गया कि नहीं आ गया? तो बड़े आराम से हो गया, 3 त्रिभुज का परिमाप आ गया 56 सेंटीमीटर। तो आपको जरूरी नहीं कि ये सब एक ग्रेटर वेटर ये सब आपको ध्यान रखना, आपको सीधे लिखना है त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यानी एसी एबी और बीसी बस। और एसी के दो हिस्से हैं, इन दोनों को लिख देंगे एआर और आरबी, और एआर की जगह हम एपी लिख देंगे और आरबी की जगह बीक्यू लिख देंगे। तो ये पूरी लाइन पीसी बन जाएगी और ये पूरी लाइन क्यूसी बन जाएगी और 28 28 56 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या है? सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी देखिए पहले तो बात तो एक बाह्य बिंदु दे रखा है, एक वृत्त दिया है, ये केंद्र है, केंद्र का नाम यहाँ ए दे रखा है, ये डी नाम है, यहाँ सी दिया हुआ है ना, और ये है ई। तो हमें दिया हुआ है एक वृत्त और एक बाहरी बिंदु है, बिंदु से हमने स्पर्श रेखा बना दी सी ई और डी ई, ये दोनों बराबर भी होंगी, बाहरी बिंदु है ना, ये बाहरी बिंदु से तो बराबर होती है स्पर्श रेखाओं की लंबाई। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सी ई डी और सी ए डी। सी ई डी कहाँ है बच्चे? सी ई डी यानी कि ये और सी ए डी ये, इन दोनों का टोटल संपूरक होता है, संपूरक मतलब 180 डिग्री। तो ये तो वैसे भी दिख रहा है कि देखिए ये है 90 और ये है 90 है कि नहीं है। तो हम ये लिखेंगे कि ये इस पे लंब है, हम साफ साफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एसी लंब है सीई पर व एडी भी लंब है डीई पर। तो बताइए हम इनके नाम दे देते हैं, ठीक है 1 2 3 4। तो क्या कोण 1 90 होगा कि नहीं होगा? कोण 1 90 डिग्री होगा और कोण 3 भी 90 डिग्री होगा, हो गया ना काम। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ले लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है बच्चे? चतुर्भुज एबीसी, एबीसी तो है ही ना नाम, इसका आदत पड़ी हुई एबीसी लिखने की। तो चतुर्भुज ए डी ई सी है ना, के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चे? तो जो यहाँ पे इतना लिखा हुआ है इसका सिंपल एक तरीका हमने यहाँ बता दिया, कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। यानी कोण 1 जमा कोण 2 कोण 3 और कोण 4 अगर इनको जोड़ दे तो 360 हो जाएगा। अब ये हमारा 90 है, ये हमें यूं ही छोड़ना है, 3 90 है, 4 हमें यूं ही छोड़ना है, तो ये आ गया 360। अब 90 और 90 180 होता है, राइट में चला जाएगा, तो कोण 2 जमा कोण 4 कितना आ जाएगा? 360 माइनस 180 यानी 180 डिग्री। आ गया ना संपूरक? ऐसा नहीं, संपूरक का मतलब ये होता है कि दो कोण जो है हमें यही सिद्ध करना है कि जो कोण 1 और कोण 2 और कोण 4 है, ये कोण 2 था और ये कोण 4 है, ये 180 डिग्री आ जाए। आ गया, बिल्कुल ईजी है। तो आपको सिर्फ लंब लिखना है, 90 लिखना है, चारों कोण लिख देना है और 90 90 की वैल्यू पुट कर देनी है, यही आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया? चलिए उदाहरण तीन देखिए क्या कह रहा है। कि चित्र दिया हुआ है हमें, तो डीओबी और ओडीसी का मान निकालना। तो डीओबी देखिए पहले कहाँ है, डीओबी यानी ये वाला, और ओडीसी कहाँ है, ओडीसी, ये मान हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो डीओबी है और डीएबी है संपूरक है, अभी हमने पिछले अभी क्वेश्चन में किया हमने, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होगा। डीओबी और डीएबी संपूरक कोण होते हैं, बाहरी बिंदु है ना, बाहरी बिंदु है और ये केंद्र पे है, तो संपूरक है। अगर 40 एक है तो दूसरा कितना होगा, 140। तो डीओबी कितना आ गया, 140 डिग्री। ये प्लस ये करेंगे तो 40 होगा ना बेटा, 40 प्लस 140 180 होता है, तो डीओबी आ जाएगा 140। ये आ गया हमारा 140। तो अगर ये 140 आ गया तो ये कितना होगा, ये तो प्रतिवर्ती पूरा 360 होता है,
360 में 340 घटा दीजिए तो ये आ गया 220, यानी ये एंगल आ गया हमारा 220। क्लियर हो? ओके। तो अब हमारा डीओबी जो प्रतिवर्ती है वो 220 आ गया। अब ओबीसी, ओबीसी अगर निकालना है, अगर ओबीसी निकालना है, हमें ये निकालना है, तो ये कितना होगा? पूरा 90 होता है और ये इतना 75 दे रखा, 75 दे रखा ना, 75 में से 90 घटा दीजिए तो ओबीसी कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 15 डिग्री और ये कितना आया था? 220 डिग्री। ये 15 डिग्री आ गया, ठीक है, आया समझ में? क्योंकि डीओबी केंद्र पर और बीसीडी वृत्त के शेष भाग पे बन रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए कि हमने 9th क्लास में किया है कि एक ही चाप से, देखिए ये है चाप हमारी, ये दो बिंदु है बी और डी, एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र पे बन रहा है कोण, और वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण यानी शेष भाग पे बने कोण का डबल होता है, यानी जो ये कोण है इसका डबल है, इसका मतलब ये आधा होगा। अगर 140 है तो ये कितना होगा? 70। समझ में आया ना? ये चाप है आपके, ध्यान दीजिए ये चाप है, एक ही पॉइंट से देखिए यहां वृत्त के केंद्र पे कोण बन रहा है और वृत्त के ऊपर जो शेष भाग पे कोण बन रहा है यहाँ पे, तो 140 है तो ये 70 होगा। तो हमने ये लिख दिया क्योंकि डबल होता है तो वो 70 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब हम देखें तो डी ओ बी सी एक चतुर्भुज है। आप कहेंगे कैसे? अरे उड़ने वाला है ना, काइट टाइप का, देखिए इसे बना के आप उड़ाते हैं ना, इस तरह का बन रहा है डिजाइनदार। तो देखिए ये 15 है और ये हमारा 220 आ चुका है और ये 70 आ चुका है, 220, 70, 15, तो हमें यही तो निकालना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों पे 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज कौन कौन से हैं? हमें ये रहा कोण, ये चतुर्भुज में कोण 1, 2, 3, 4, तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 1 15 1 220 170 और ओडीसी हमें निकालना ही है, इनको जोड़ के 360 में से घटा दो तो ओडीसी आ जाएगा 55 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आ गई 55 डिग्री। क्या किया हमने बताइए? स्टार्टिंग से इस पॉइंट से हम सीधे केंद्र वाला कोण निकालते हैं, केंद्र का प्रतिवर्ती निकालते हैं, फिर यहां 90 से 75 घटा के ये निकाल देते हैं, और हमें पता है केंद्र पे बना कोण अन्य भाग पे बने कोण का दुगना होता है, तो हमने ये भी निकाल दिया और यहां से हमारा ये कोण आ गया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? ये चित्र बना हुआ है बच्चों, तो ये दिया हुआ है। तो देखिए हमने ये किया भी है, संपूरक होते तो इन दोनों को हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोण से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, और ये भी हमें पता चलेगा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये संपूरक होंगे। तो चलिए करते हैं कि हमें ये पता है कि ओसी, ओबी, ओ नाम नहीं है इसका, सी नाम है, केंद्र का नाम लिखना है, केंद्र का नाम है सी, सी बी लंब है ए बी पे और सी डी लंब है ए डी पे, तो ये दोनों कोण तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस एम प्लस 3 एम 360 डिग्री होंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये तो हमें दे ही रखा है 90 90, तो इसको हम 90 90 लिख देते हैं, 90 जमा 90, और ये हो गया 4m बराबर 360, तो 4m बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, यानी 180 आ गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, कि m और 3m को जोड़ देते, इस तरह से m जमा 3m बराबर 180 डिग्री, सिर्फ हमें संपूरक ही तो लिखना पड़ता है कि नहीं, संपूरक कोण बन रहे थे, तो उससे भी हो जाता हमारा ये 180 डिग्री। तो चलिए ये तो दूसरा तरीका है, हम दूसरे तरीके से अभी फिलहाल यहां कर रहे हैं, तो m बराबर आ जाएगा 180 बटा 4, m की वैल्यू कितने आ गई बेटा? 45 डिग्री, 4 4 16 4 5 20, तो ये आ गया m का मान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 देखिए, वृत्त के बाहर ये बिंदु है, बिंदु से दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीधी सी बात है, हम लिख देंगे कि भाई
ये जो सी एच है और इसका नाम तो दिया नहीं है, तो हम क्या लिखे यहाँ पे, एच के बाद जी एच आई होता है, आई लिख देते हैं, सी आई बराबर है। ठीक है, ये आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं, रेड कलर ले लेते। तो इसका मतलब एक्स प्लस 10 बराबर होगा 2x माइनस 1 के। अच्छा, ये वही रीजन है, विकिवृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हम कई बार बता भी चुके हैं, आप लोग कीजिएगा इसे। तो x एक तरफ कर देते हैं, हो जाएगा माइनस 1 माइनस 10 माइनस एक्स बराबर माइनस 11, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू आ गया 11। ठीक है, अच्छा इकाई कुछ भी नहीं दिया, मीटर सेंटीमीटर, तो आप इकाई लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 की बारी है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है कोई, दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को 120 कोण बनाती हैं, 120 डिग्री का स्पर्श रेखा की लंबाई सिद्ध करनी है। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 यही हो जाएगा, छोटा सा ही है। तो एक वृत्त है, वृत्त आप ले लीजिए, एक मिनट, वृत्त लिया नहीं है अभी मैंने, अब वृत्त ले लेते हैं, ये तो डिलीट करना पड़ेगा। ये आ गया वृत्त, ठीक है। तो त्रिज्या है 6, बना देते हैं इसको हम, दो स्पर्श रेखाएं, देखिए बिंदु बाहर ले लेते हैं, ये बना दिया हमने स्पर्श रेखाएं, नाम तो नहीं दिया, देखें क्वेश्चन में नाम नहीं दिया, हम खुद ही ले लेते हैं अपने। तो पी ले लेते हैं इसका नाम, एस और टी। अच्छा, इनकी लंबाई सिद्ध करनी है, तो ये केंद्र तो दे रखा ना, केंद्र से त्रिज्या दे रखी 6 और ये भी 6 ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो देखिए हमने ये पहले किया है पिछले वाले उसमें, कि अगर हम इन दोनों त्रिभुज को बराबर कर दें, ये पूरा 120 है, तो ये 60 और ये 60 हो जाएगा। तो अब ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि त्रिभुज, सब कुछ आप लिख लेंगे कहानी, कि क्या हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हम पहले वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि पी एस बराबर पी टी बराबर क्या, दोनों तो बराबर ही है, 2√3 आने चाहिए, 2√3 स्पर्श रेखा आना चाहिए, बराबर 2√3 सेंटीमीटर। तो हम ये देख रहे हैं कि जो त्रिभुज है ओ टी पी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है। वैसे ओ पी एस पी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा ओपी, है ना, और ये लंब है ओटी और पीटी आधार है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं जो हमें निकालना है। तो देखिए ये आधार से, ये जहां पे ये डिग्री बन रहा है ये आधार से के साथ लगा होता है, तो हमारे को लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं ना ओटी अपॉन टीपी बराबर होता है टेन थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, ओटी है आपका 6 और टीपी हमें नहीं दिया हुआ, और टेन 60 होता है √3, एक लगा दीजिए क्रॉस कीजिए, तो √3 टीपी बराबर हो गया 6, तो टीपी कितना आया बेटा 6 बटा √3, रूट अगर नीचे आ जाए तो इसको रेशनलाइजेशन परमीकरण कर दीजिए, तो जगह 6 √3 बटा √3 √3 3 हट जाएगा 2 आ गया, यानी टीपी जिसको हमने पीएस भी बोला है वो आ गया 2√3 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया हमारा आंसर, देखिए पूरा सवाल हो गया हमारा ये। इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। ध्यान रखिए कि मैं बार बार पिछली वर्कशीट से ही बोल रही हूँ कि जो त्रिभुज के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वहां से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बहुत यूज हो रहा है। और अब ये पिछले वाला का ये क्वेश्चन यूज हो गया, पूरा 120 था 60-60 आ गया, 60-60 कैसे है, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने पे, ठीक है, सर्वांगसम बड़े आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है त्रिभुज DEF है, एक वृत्त है त्रिभुज DEF की भुजा EF पर बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, तो चलिए देखें जरा कहाँ स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले जितना बोला है एक एक पॉइंट को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त ले लें
ये हमने एक वृत्त ले लिया। अच्छा उसके बाद क्या कहा उसने, उसने कहा है कि एक त्रिभुज जो है बिंदु पी पे स्पर्श कर रहा है। चलिए त्रिभुज भी ले लेते हैं हम लोग, जो कह रहा हम वही उस हिसाब से चलेंगे। तो हमने एक त्रिभुज भी ले लिया। उसको टच करना हुआ, टच करता हुआ बनाएंगे बच्चे। तो ये जो है हमें ऐसा ये हो गया, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं वृत्त को, हो गया। हाँ अब ठीक है ये, ओके अब बन गया। हाँ ये अभी भी थोड़ा सा ये ट्रायंगल थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऐसा है इस ट्रायंगल को तो डिलीट ही कर देते हैं, काफी टाइम वेस्ट कर रहा है, हम हाथ से बना देते हैं। तो एक त्रिभुज जो है इसको स्पर्श कर रहा है बिंदु पी पे। आप लोग बेटा रफ में बना लीजिए, फेयर में बना लीजिएगा। तो इस तरह से त्रिभुज जो है स्पर्श कर रहा है बिंदु पी पे। नाम क्या त्रिभुज का, देखिए इसके चक्कर में नाम भूल गए हम लोग, डीई एफ नाम है इसका, डी ई एफ। और ये आगे भी जा रहा है, आगे कह रहा है कि आगे ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, तो ये इस तरह से जा रहा है, चला गया ये। और कहां स्पर्श कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो डीई है और डीएफ को हमने बढ़ा दिया ना हमने, हाँ, और क्यू और आर पे भी स्पर्श कर रहा है वृत्त को। तो ये देखिए मैंने DE को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे Q आ गया, और DF को बढ़ाया तो ये R आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो DQ है वो त्रिभुज के परिमाप का आधा है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि DQ आधा है त्रिभुज DEF के परिमाप का, ये सिद्ध करना है हमें। तो चलिए जब ऊपर से हमने सारा देख ही लिया है तो अपने सवाल पे आ जाते हैं, क्लियर है ना ये, हाँ यही है सारा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दूसरा कलर ले लें। तो देखिए सारी बातें पहले तो आप लिख लीजिए कि हम ये जानते हैं कि देखिए वृत्त के बाहर कितने बिंदु हैं, ये बिंदु हैं, इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा बन रही है बराबर होंगी, इस एफ बिंदु से ये स्पर्श रेखा दो बन रही है देखिए ब्लैक लाइन, और डी बिंदु से स्पर्श रेखा बन रही है पूरी, बनेगी नहीं, ब्लैक लाइन पे ध्यान दीजिए जो मैं खींच रही हूं। तो इसका मतलब कि डी क्यू बराबर है डी आर के, ठीक वैसे ही ई पी बराबर है ई क्यू की, और एफ पी बराबर है एफ आर के। रीजन वही है क्या, वृत्त के बाह्य किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई लंबाई समान होती है। तो ये इतना लंबा है इसलिए लिखते नहीं जल्दी। वन टू थ्री मान लेते हैं, वन टू थ्री, और अब हम पहला ये ले लेते हैं, क्या है हमारे पास डी क्यू बराबर डी आर, यही है ना,
बराबर है। और dr को हम लिख सकते हैं dq, देखिए जो हमें चाहिए ना उसको तो हम रख लेंगे, dq को रख लेते हैं, dr को हम लिख सकते हैं df प्लस fr, df प्लस fr। अब हम ये जानते हैं कि df तो रहने देते हैं, fr fp के बराबर है, fr किसके बराबर है, fp के, तो यहां पे क्या आ जाएगा fp, क्यों रीजन लिखा ना यहां पे, ये लिखा हुआ है कि एफ आर एफ पी के बराबर है, रीजन जरूर बताना बच्चे, ठीक है, हो गया ये ठीक। उसी प्रकार से हम ले सकते हैं डी आर, अगर हम डी आर को तोड़ते हैं तो डी आर को तोड़ेंगे तो डी आर क्या होगा, डी आर बराबर होगा डी क्यू, और dq क्या है, dq के भी दो हिस्से हैं de और eq, de प्लस eq। अब ये बताइए कि de तो ठीक है, eq की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ep लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह हमने ep लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास रीजन है, देखिए क्योंकि eq और ep बराबर है, क्लियर हो रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ दें, इसको फोर्थ मान, यहां पे नहीं यहां पे, इसको फोर्थ मान लें और इसको फिफ्थ मान लें और इसको हम ऐड कर दें तो काम हो जाएगा हमारा, फोर प्लस फाइव क्या आएगा बेटा, dr और dq ऐड हो जाएंगे, dr प्लस dq लेफ्ट में ऐड हो जाएंगे और राइट में ऐड हो जाएगा df प्लस fp प्लस DE प्लस EP। अब हमें ये दिख रहा है कि ये देखिए EP और PF क्या बन रहा है, EF बन रहा है, EP और PE, देखिए PE और PF क्या बन रहा है हमारा, EF बन रहा है, तो ये बन गया हमारा DF प्लस EF प्लस DE, ठीक है, यही है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों सेम थे, दोनों बराबर था, दोनों को हम dr लिख देते हैं, dr dr दो बार हो गई, तो दो बार हो गया तो दो dr हो गया, तो dr बराबर हो गया आधा त्रिभुज का परिमाप, और इसी को बोलते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज def का परिमाप। इस तरह से आपको सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था ये, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइएगा कि त्रिभुज के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय।